हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से पहले मैंने आपसे वुमेन्स वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इसका वीडियो शेयर किया था। उस पर कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बॉयज़ वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ इसका वीडियो भी शेयर करूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉयज़ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का टिप्स। तो देखिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ। ये मेरी वार्डरोब है, इसमें मैं फॉर्मल्स वियर्स को सब इस तरह से हैंगर पे टांग देती हूँ और कैजुअल वेयर टी शर्ट्स को इस तरह से फोल्ड करके एक डिब्बे में लगा लेती हूँ। और इस तरह से एक डिब्बे में मैंने सभी टी शर्ट पजामे रख रखे हैं नाइट सूट्स के, और एक डिब्बे में अंडर गारमेंट्स ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं इसको दिखाती हूँ। और एक इस तरह से छोटा डिब्बा लेकर के उसमें मैंने सॉक्स ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। तो देखिए कितनी क्लीनली हर चीज़ अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन्हें फोल्ड कैसे करती हूँ। दिखाती हूँ कि मैं कैजुअल वियर टी शर्ट्स को कैसे फोल्ड करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये टी शर्ट ली है और इसे हम नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अब इसे इसे बिछाएंगे। और जैसे हम नॉर्मल टी शर्ट प्रेस और तय करते हैं उसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे। और इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को लेकर के इस तरह से रोल करते हुए इसके ऊपर ले जाएंगे और हमने ये जो पहले फोल्ड किया था इसको इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे। और अब हम इसे डिब्बे में लगा देंगे। अब ये किसी भी तरह से खुलेगा नहीं, एक टी शर्ट निकालने पे बाकी टी शर्ट्स खराब नहीं होंगी। कि मैं पजामा फोल्ड कैसे करती हूँ, तो इसके लिए ये मैंने पजामा लिया है और इसे डबल करके इसको इस वाले हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसे यूँ डबल करके ऊपर वाले हिस्से को मोड़कर इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब ये टी शर्ट के साइज़ का ही बन चुका है। अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ डब्बे में लगा देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बॉक्सर्स और बनियान को मैं किस तरह से फोल्ड करके अलमारी में लगाती हूँ। तो इस तरह से एक बॉक्सर लेंगे और इसके ये जो सिलाई वाले हिस्से होते हैं इन सबको एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे अपन पैंट फोल्ड करते हैं ट्राउज़र्स की, और इसको इस तरह से डबल करके रखेंगे और इसे इधर फोल्ड करके और इस तरह से थ्री फोल्ड कर लेंगे। अब इसे ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस हिस्से को इसके अंदर डाल देंगे। अब ये भी हम उसी के साथ लगा सकते हैं आराम से डिब्बे में। आप अपने साइड के अकॉर्डिंग डब्बे बड़े या छोटे ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बनियान फोल्ड कैसे करती हूँ मैं। तो बनियान को लेकर के हम इसे डबल करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से ऊपर लेते हुए डबल करेंगे, फिर इसे फोर फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करके अब इस हिस्से को इसके अंदर डाल देंगे। अब ये चीज़ें हमारी कभी भी खुलती नहीं है, एक कपड़े को निकालते हुए दूसरे कपड़े हमारे फोल्डिंग में खराब नहीं होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं नाइट सूट की टी शर्ट्स को किस तरह से फोल्ड करती हूँ। ये मैं इस तरह से एक टी शर्ट लूँगी और उसे ये नीचे वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल और इसे उल्टा बिछाएंगे। और अब जैसे अपन नॉर्मल टी शर्ट फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसे डबल करते हुए तीन हिस्से करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोबारा इसके ऊपर डबल करते हुए इस तरह से फोल्ड करके और ये जो हमने नीचे फोल्ड किया हुआ था इस हिस्से को इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और अब ये टी शर्ट ऐसे भी खुलेगी नहीं और हम आराम से इसे अपने डिब्बे में लगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं सॉक्स को कैसे फोल्ड करती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों सॉक्स को जोड़कर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से राउंड करते हुए इसके ऊपर इलास्टिक वाली साइड पर ले जाएंगे और इलास्टिक के ऊपर इस तरह से इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे और इसे मैंने आपको डिब्बे में जैसे दिखाया था वैसे रखते जाएंगे। तो कैसे लगे आपको मेरे ये फोल्डिंग टिप्स? अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।